Hi guys and welcome back to my channel Vivious Vlogs. I am Vinnie Vetsing and I make videos related to beauty, fashion, travel, lifestyle and many more other things. So before this video starts, please do take out a minute and subscribe to my channel. तो आज जैसे कि आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि आज मेरी और दीप की एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है. हमें फाइनली 7 साल हो गए हैं और ऑफिशियली और 9 ईयर्स हमें हो गए एक दूसरे को जानते हुए. और आज मैंने बहुत दिनों बाद कैमरा उठाया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. जैसे कि आपको मेरा दिख रहा है, अभी भी मुझे कोल्ड कफ है काफ़ी. और बट मैंने कहा आज तो एटलीस्ट उठा ही लूँ कैमरा, आज का दिन शूट कर लूँ और रिकॉर्ड कर दूँ. और हम लोग शाम को शायद कहीं बाहर जाने वाले हैं तो मैं आप लोगों को लेके चलने वाली हूँ साथ. तो आज मैंने पूरे 1 वीक के बाद हेड वॉश किए हैं. वैसे मैं ऑल्टरनेटिव बेस पे करती हूँ या फिर एवरी सेकेंड डे करती हूँ हेड वॉश, बट अभी ठंड है तो बिल्कुल से धोने का मन नहीं करता क्योंकि बाल थोड़े से बड़े हैं अभी मेरे. और यहाँ पर 3 दिन हो गए, आज लिटरली 3rd डे है. आज बिल्कुल धूप नहीं निकली है, बिल्कुल भी सनशाइन का नामो निशान नहीं है. और मैं तो पूरी जादू, मेरे को अगर सर्दी है तो धूप चाहिए, अदरवाइज तो मेरी बैंड बच जाती है. जल्दी से पहले ये बाल सुखाते हैं, अदरवाइज अगेन मेरा कोल्ड बढ़ जाएगा और फिर मैं आपसे बात करती हूँ. ड्राई होने में टाइम लगाएंगे, मैं जनरली ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ अंटिल अनलेस बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो. ये ड्राई हो जाएंगे अपने आप, तब तक मैं आपको थोड़े से नए कपड़े दिखाती हूँ जो मैं लेके आई थी वेबसाइट से एंड से. और थोड़े बहुत कपड़े फैब्रिक के थे, मॉल गई थी मैं तो लेके आई थी अपने लिए, जिसमें से एक मैंने अभी पहन रखा है जो कि है ये आई डोंट नो क्या बोलेंगे, मतलब टी शर्ट टाइप की है. इसके अंदर मैंने स्वेटर पहन रखा है जो मैं पिछले 6 साल से पहन रही हूँ. ये H&M का स्वेटर है जो मेरे को आपने पता नहीं कितनी फोटोज़ में देखा होगा पहनते हुए, बट ये इतना वार्म है इसलिए मैंने इसको अंदर पहन रखा है. और ये टी शर्ट साथ में इसके ये जॉगर है, जॉगर्स लेके आई थी मैं, तो ये मैंने पहन रखा है मॉविश, लाइट मॉविश कलर का ये. और एक्चुअली हम लोग कभी भी विंटर्स में रहे नहीं हैं, गुजरात में रह रहे थे पोरबंदर में या फिर हम कोचिन में रहे हैं तो वहाँ पर विंटर्स नहीं होते थे, तो पिछले 7 ईयर्स से हमने विंटर्स बिल्कुल भी देखे नहीं हैं. तो ये इस बार हमारा पहले बारी है विंटर्स 3-4 महीने तक झेलने के लिए, अदरवाइज आप वेकेशन पे जाओ तो थोड़े दिन तो मैनेज हो जाता है. तो इसलिए कुछ क्लोथ्स में लेके आई थी अपने लिए और दीप के लिए भी, क्योंकि हम लोगों के नाइट सूट्स वही थे समरिश जो भी होते हैं और उन्हीं के ऊपर हम जैकेट्स पहन रहे थे, बट अभी जब ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी तब वो काम नहीं आएंगे, इसलिए मैं थोड़े से कपड़े लेके आई थी. तो जिसमें से आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आपको दिखाती हूँ ये एक और जॉगर है वायलेट कलर का, और इसके साथ मैं इसका अपर ये मैचिंग करके लाई थी. अगेन ये थोड़ा सा तो वॉर्म है और नीचे से इस टाइप से टाइट करने के लिए है ये. और एक ब्लैक कलर का लेके आई थी, ये हुडी टाइप का है, ये भी घर पे पहनने के लिए लेके आई हूँ मैं. और इसके नीचे भी जॉगर स्टाइल है. मैं पजामा थोड़े कम ही लेती हूँ, इनफैक्ट अभी लेने बंद कर दी क्योंकि पजामा में मेरे पैर अड़ जाते हैं, मैं कई बार गिरते बचती हूँ, इसलिए इस बार मैं जॉगर्स लेके आई हूँ. और ये तो मेरे घर पहने के कपड़े हो गए. अब इनमें से ये कपड़े हैं, ये तो मैंने कहा ऑनलाइन मंगाया था एक वीडियो शूट करने के लिए, मुझे एक करीना कपूर का लुक था उसको शूट करना था, ये उसके लिए मंगाया था. तो पता नहीं कब वो वीडियो शूट होगी. और एक ये मैं स्वेटर लेके आई थी एंट का, तो इसमें आपको कलर दूसरा दिख रहा है, अदरवाइज़ ये भी थोड़ा वो वाइन टाइप का कलर है और काफ़ी मोटा है और एंट का है ये. और एक ये टॉप लाई थी फैब्ले का जिसपे ऐसे नेक पे वर्क है और ये टॉप है. और हो सकता है शायद मैं इवनिंग में यही डालूं या फिर ये डालूं, तो देखते हैं क्या पहनूंगी मैं. और एक ये टॉप लाई थी, ये वेनोमोडो का टॉप है, ये भी मैं एक लुक शूट करने के लिए लेके आई थी, काइली जेनर का एक लुक था गोल्डन आईज वाला जो बीच में बहुत फेमस हुआ था उसके लिए लाई थी. बट इतनी सर्दी है कि मैं अभी हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी वीडियोज़ शूट करने का मेकअप के लिए. और अगेन ये भी एक टॉप है, ये मैं अगर न्यू ईयर पे हम लोग कहीं गए तो उसके लिए लाई थी. ये थोड़ा सा यहाँ से इस पर डिटेल्स हैं, स्ट्रिप्स हैं इस टॉप पर. और ये मैंने जो करवा चौथ पे साड़ी मंगाई थी ये वो साड़ी है. और इस
के लिए भी मुझे लुक शूट करना है, बट अगेन मेकअप वीडियो के लिए, मतलब ये भी पीछे से हॉट एंड नेकेट, तो विंटर्स में मेरी पहनने की हिम्मत ही नहीं हो रही, ऑलरेडी बीमार भी पड़ गई मैं, तो ये भी साड़ी मुझे ट्राई करनी, मैंने अभी तक ट्राई तक नहीं करी है। तो ये तो हो गए मेरे कपड़े, और दीप के लिए भी मैं थोड़े से कपड़े लेके आई थी, जैसे ये ब्लैक लोअर वगैरह है और वार्मर्स हैं, मोस्टली दीप ने कपड़े निकाल के पहन भी लिए सारे। एक्चुअली हमारा आज जाने का प्लान था कहीं पर, हमारी शिमला के लिए बुकिंग्स हो रखी थी, सब कुछ हो रखा था, सब फाइनल था, पैसे पे किए हुए थे 5 डेज के, बट किसी रीज़न से हम जा नहीं पाए और वो कैंसिल कराना पड़ा। उसके लिए ही ऑलमोस्ट शॉपिंग करी थी हमने काफ़ी सारी। तो अभी नहाने के बाद सबसे पहले मैं एक बार मंदिर में जोत जला लेती हूँ, हाथ जोड़ लेती हूँ, क्योंकि स्पेशल डेज पे मैं हमेशा भगवान को याद करती हूँ, अदरवाइज रोज़ तो मेरी पूजा पाठ नहीं होती है। तो सबसे पहले वो काम कर लेते हैं, फिर कुछ खाना खाते हैं, भूख लग रही है मुझे बहुत ज़ोर से, और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अभी मैं बाहर आ गई तो एक बार आपको बालकनी का व्यू दिखाई देती हूँ कि कितनी ठंड है, मतलब देख के ही आप समझ जाओगे, जो लोग यहाँ नहीं रह रहे नॉर्थ में और साउथ साइड है या फिर कहीं और है। ये देखिए आज 3rd डे है, धूप कहीं से भी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट अभी आप देख रहे होंगे तो वो जो पाथ है वो गीला भी है, बारिश हो चुकी है, तो होपफुली बारिश हो गई है तो सुन रहे हैं कि कल धूप निकल आएगी। और जहाँ तक बात रही मेरे प्लांट्स की, तो सबसे पहले तो आप मेरी पालक देखो कितनी सुंदर आ रही है, प्रॉपर टाइप पालक आनी शुरू हो गई जैसे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे चेरी टोमेटोज में भी काफ़ी सारे प्लांट्स आ रहे हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन से चेरी टोमेटो के प्लांट्स हैं, इतने सारे तो नहीं हो सकते, तो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा इसके लिए। एंड ये वाली भी पालक आ रही है, उतनी सुंदर नहीं आ रही जितनी वो वाली आई थी, रीज़न मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट जो भी है। और जहाँ तक बात रही भिंडी की, भिंडी के लिए मुझे एक्चुअली 3-4 दिन पहले लगा कि भिंडी शायद नहीं उग रही है, तो मैंने इनमें पानी देना बंद कर दिया था इसमें, क्योंकि भिंडी का भी सीज़न नहीं है, तो मुझे लगा ओवर कॉन्फिडेंस पे मैं सीड्स ले आई हूँ, बट ये शायद नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने पानी देना बंद कर दिया। और जैसे ही पानी देना बंद किया तभी मुझे ये प्रॉपर टाइप बेस प्लांट्स इसके दिखने शुरू हो गए, फिर मैंने वापस इनमें पानी दिया, बट अभी इन सबको धूप चाहिए और आज 3 दिन हो गए धूप नहीं आई है, तो इसलिए मैं पानी नहीं दे रही हूँ उनको। और इसको भी मैंने उतार के यहाँ रख दिया ताकि बारिश जो है इसके ऊपर ना गिरे, अदरवाइज ये मर जाएंगे, क्योंकि इनको भी धूप चाहिए, तो अभी सबको धूप चाहिए, भगवान प्लीज़ धूप ला दो यार, मर जाएंगे नहीं तो सर्दी में। तो आज मैं खा रही हूँ खिचड़ी, और क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, दाल की पूड़ी एंड भिंडी एंड ऑल, तो इसलिए मैं खिचड़ी खा रही हूँ आज, और रात को भी फिर हैवी होने वाला है, और तबीयत भी नहीं ठीक थी इतने दिन से, तो इसलिए खिचड़ी। Won't believe what happened. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि बारिश हुई तो हो सकता है कि मौसम खुल जाएगा, एंड आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 long days, फाइनली वी कैन सी सनशाइन। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे अभी इवनिंग होने वाली है, और इधर मेरे फ्लैट में सिर्फ सुबह जो है वो सनलाइट आती है 8 to 10 or 10:30, तो बट दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एंड फाइनली आफ्टर 3 डेज एटलीस्ट धूप दिख रही है। वैसे अभी ठंड बढ़ गई है इस टाइम इवनिंग में, बट स्टिल ये धूप के साथ और भी प्यारा लग रहा है व्यू में आपको उसका। अभी धूप आई है तो पक्का कल सुबह धूप आएगी, फाइनली मैं कल धूप में बैठूंगी अगेन इतने दिनों बाद। मैं स्पेशली उठती हूँ 8 बजे धूप में बैठने के लिए, और 3 दिन से धूप नहीं आई थी फाइनली। और आज वैसे मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग गई है, मैंने नहीं मेकअप इस बार, लास्ट ईयर मैंने किया था, वो ब्लॉग आप ऊपर कहीं देख सकते होंगे सजेशन बॉक्स में। दीप एज यूजुअल ऑफिस गए हुए हैं और वो आएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे, तो 7 बजने वाले हैं और दीप जी अभी तक नहीं आए हैं। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मेकअप कर लूँ बेसिक सा, वैसे ना कितनी भैरी है सब कुछ बराबर हो जाना, यहाँ पे अलग से बदल जाएगा पहुँच पहुँच के कि मेकअप क्या हुआ है, देखते हैं कितना टाइम है उस हिसाब से मैं मेकअप करूँगी। I can feel I'm changing.
things I lack. I don't ever wanna lose you now. क्या मैं पीछे बैठा करूंगी? और पीछे बैठना पड़ेगा, एक दो और होगा तो लॉन्ग ड्राइव चलेंगे। नहीं बताओ ना कितने साल बाद बताया बिठाया गाड़ी में अपनी। कैसे लग रहा बेटा पापा की गाड़ी में बैठ के? मजेदार। मजेदार ये कहाँ से सीखा? हृदय कोल्ड नहीं है? वो आइस कोल्ड नहीं है? आइस कोल्ड नहीं है? हाथ ठंडे नहीं हो रहे आपके? हाथ ठंडे नहीं हो रहे? अभी से सिखा दो उसको हैं? अभी से सीख जाओ ये। 16 इयर्स का वेट मत करना कृदे। इट्स कूल, देन लीव इट। अंकल आ रहे पिट्टी करेंगे अभी आपकी। कूल बोलना कहाँ से सीखा कृदे? कूल बोलना कहाँ से सीखा? कौन बोलता है कूल? हर चीज में कूल कहाँ से बोलते हो? किसने सिखाया आपको? जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और रियली कोल्ड, तो हम लोग इसलिए टाइम से जल्दी जा रहे हैं, मुझे रेस्ट करना है। जैसे कि मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है, तो आज का दिन तो थोड़ा ऐसे ही था, ब्लैंक था। डे सो चुका है और हम घर आ चुके हैं। अभी जल्दी से मैं कपड़े चेंज करके ब्लैंकेट में घुसूँ, बहुत ठंड लग रही है। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड इफ यू लाइक दिट देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।